क्योंकि ये ट्रेल ऐसी है ना, ये डांस करा देती है अपने आप। अपने आप सही बात है। देखो ये देखो, ये उड़ गया जी, उड़ गई हमारी तिरपाल, उड़ गई उड़ गई। हिंदुस्तान का झंडा, दिल खुश हो जाता है देख के। कुछ बंकर आपको पाकिस्तान के यहाँ पे मिलेंगे, LOC व्यू पॉइंट। तो भाई साहब कंधे से वो मेरे खड़े से हो गए ठंड की वजह से। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, इन दोनों को कोई आँच नहीं आने दूंगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हंडोरे पे एक नए व्लॉग के साथ में। फिलहाल हम जहाँ रात रुके थे वहीं पे हैं, और करीब हमें ज्वाइन किया 6 से 7 फैमिलीज ने, और पीहू अभी हमारी सो रही है, तो हमने अभी तक चाय नहीं बनाई है। तो दिखाता हूँ कुछ, देखो बाकी सब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जाएंगे लेह की तरफ और हम जाएंगे श्रीनगर की तरफ यानी कश्मीर की तरफ। तो ये इस तरफ चले जाएंगे और हम इस तरफ चले जाएंगे, पर इस बहाने सबसे मिले। भाभी ने तो रोटी वोटी बना दी रात ज़बरदस्त करके, वैसा है ना, हमने तो कुछ ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, बस हमने तो पुलाव बनाए। अभी सब अपनी अपनी पैकिंग कर रहे हैं, हम निकलेंगे आराम से तसल्ली से, क्योंकि हमें कोई ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करना, क्योंकि हमारे जो विक्रम जी हैं वो अभी पीछे फंसे हैं, उनकी गाड़ी अभी सही नहीं हुई, पार्ट्स नहीं आए हैं, इंतजार ही कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे निकलेंगे आगे की तरफ। गुड मॉर्निंग बिटिया, गुड मॉर्निंग। लो जी बिटिया उठ गई है हमारी। तो हमारे कुछ मित्र हैं जिन्होंने हमें रात ज्वाइन किया था, अब वो जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा भाई लोगों के साथ में, मजा आया। चलो तो सेफ जर्नी, आराम से कीजिएगा, मस्त कीजिएगा। पाजी भी जा रहे हैं, ठीक है पाजी है, अच्छा आराम से जाइएगा, ध्यान रखिएगा भाभी, और जैकेट पहन के रखिएगा, ठीक है। तो इनकी भी गाड़ी पैक हो गई है, अपने बद्दी वाले भाई साहब की भी हो गई है, एक बार उनसे और मिल लेते हैं। अच्छा भाई साहब, अच्छा जी, आराम से जाइएगा, बिल्कुल सर, ठीक है। भाभी राम राम, मस्त रहो, खुश रहो। डांस वांस नहीं हो पाया, वो कोई बात नहीं, तो लड़ाई बहुत बड़ी है, आराम से करेंगे, कभी देखते हैं। हाँ है ना, क्योंकि ये ट्रेल ऐसी है ना, ये डांस करा देती है अपने आप। अपने आप सही बात है। चलो ओके, नमस्कार जी, चलो हैप्पी जर्नी। सो दोस्तों, बस जस्ट नाश्ता तैयार होने वाला था, इतने में बारिश आ गई। पहले तो ओले आए, सूखे ओले पड़े बर्फ़ के, और फिर मैंने कहा क्या टार पार्प लगानी, छोटी सी पल्ली टाल देता हूँ। और श्रीमती जी फिर भी लग रही हैं धुआंधार, नाश्ता बना रही है, मौसम कुछ भी हो लेकिन नाश्ता प्रॉपर करेंगे, फिर आगे निकलेंगे कारगिल की तरफ। तो श्रीमती जी कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, नहीं देखो ये देखो, ये उड़ गया जी, उड़ गई हमारी तिरपाल, उड़ गई उड़ गई तिरपाल, उड़ गई जी। सो दोस्तों, नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है, पराठे अचार और चाय, ये देखो देखो ये ज़्यादा है। तो हम फिलहाल कर लेते हैं अपना नाश्ता, और मौसम भी साफ़ हो गया है, थोड़ी देर के लिए बारिश आई थी, फिलहाल मौसम हो गया साफ, तो नाश्ता ठंडा हो जाए, इससे पहले नाश्ता कर लेते हैं। आओ श्रीमती जी नाश्ता करते हैं। दोस्तों बारिश फिर से आ गई है, हमारा नाश्ता हो गया है, चाय पराठे, वो भी मम्मी ने अचार दिया था मिर्ची का, उसके साथ में एक नंबर, बहुत स्वादिष्ट था। तो अब यहाँ से जाने की होगी है हमारी तैयारी, टाटा बाय बाय। कैरावन देखो पूरी पैक है हमारी, ये देखो पीहू कैसे कर रही है, देखो नंगो पंगो। तो हमारी पीहू ने यहाँ पे खूब इंजॉय किया, काफ़ी बड़ा ग्राउंड था यहाँ पे। तो बस श्रीमती जी का आने का इंतजार है, वो शूज़ पहन रही हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे आप आगे की तरफ। हम जा रहे हैं अब कारगिल की तरफ, वार मेमोरियल आएगा आपका आगे, फिर जोजिला पास, तो इन सबको देखते हुए जाएंगे। और भाई तो गाड़ी स्टार्ट करके चल दी है, हम भी चलेंगे धीरे धीरे करके, कोई जल्दी नहीं है, पर फिलहाल पहले श्रीमती जी आ जाए। सो दोस्तों पहुंच गए हैं नमकीला पास। थोड़ी आंधी आ गई है और ओले से पड़ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, छोटे छोटे ओले पड़ रहे हैं, प्लीज़ यूज़ डस्टबिन। तो जी ये है यहाँ का व्यू, वाह। पीयू भी आ गई है, श्रीमती जी भी आ गई है, तो जी ये ब्रो नहीं है, BRO है, ये देखो बॉर्डर रोड। और क्या जबरदस्त व्यू है यहाँ का, एक नंबर व्यू, छोटे छोटे ओले पड़ रहे हैं बारिश के, बारिश की जगह ओले ही मान लो आप इनको, और बराबर में गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो फिलहाल निकलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि लंबा जाना है अपने को। सो दोस्तों, पास देखने के बाद, थोड़ी फोटोग्राफी कराने के बाद, अब निकलनी है आगे की तरफ, कारगिल वॉर मेमोरियल की तरफ। रोड देखो आप यहाँ के कितने जबरदस्त है, एक नंबर रोड है भाई साहब। ये देखो ये सब पहाड़ जो है देख रहे हैं अभी, कारगिल के पहाड़ है सब। फिलहाल रोड देखो आप, एकदम मक्खन मलाई जैसे रोड है भाई साहब।
बीआरओ ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। रोड की तो मतलब क्या कहने, लाजवाब रोड है। श्रीमती जी बैठी है और पीयू हमारी सोई है गोदी में, तो पीयू ज्यादातर हमारी ट्रैवल में सोई जाती है। मुंह सब फट गया है बिटिया के हमारी के हवा से, हवाएं बहुत तेज चलती है ना। हाँ सही कह रही है, यहाँ पे हवाएं ना बहुत तेज चलती है। फुल करा रहे हैं टैंक को, पेट्रोल ऐसे लग रहा है पानी के जैसे लग रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। वैसे जहाँ पेट्रोल पंप मिलता है वहीं फुल करा लेते हैं, सच बता रहे हैं। ये देखो बिटिया भी सो गई अंदर और फिलहाल भाई कर रहे हैं फुल टैंक हमारा। तो जी ये रोड है, रोड देख लो एकदम चकाचक बने हुए हैं और बाहर का व्यू देखो आप कैसे ज़बरदस्त है। बताओ वहाँ से फायरिंग करते तो इधर तक आती थी, सेलिंग होती थी यार। लेफ्ट वाले पे डबल क्लिक करता करो जब बैलेंस ना करे। तो जी रोड है ये, आप अगर आते हैं ऊपर देखने, मात्र 8 किलोमीटर ऊपर है, सवेरी लगता है, बहुत अच्छी जगह है। आप लोग भी आइए देखिए, आपको भी पता लगेगा कि एक्चुअल हुआ क्या था, स्थिति क्या थी, और मतलब आपको समझ में आएगा कि क्या कंडीशन रही होंगी उस टाइम पे, कितनी परिस्थितियों के बाद अपनी इंडियन आर्मी ने यहाँ पे कब्जा किया होगा। क्योंकि वो एक तरफ टॉप पे बैठे हुए थे और हमारी इंडियन आर्मी नीचे थी, तो टॉप वाला जो होता है उसको प्लस पॉइंट मिलता ही है। इस गांव का नाम है हंदुरमान, LOC व्यू पॉइंट। ये जो आप नीचे गांव देख रहे हैं ना, ये वाला, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला, ये है अपना इंडिया का लास्ट गांव यहाँ से, और सामने है अपने लास्ट चौकी, यहाँ पे है अपनी लास्ट चौकी जो यहाँ पे है, एक चौकी वहाँ पे है। कोई बॉर्डर की फेंसिंग नहीं है, सिंपल एक दीवार खड़ी कर रखी है। बाकी अगर आप देखेंगे ना इस वाले टॉप पे, यहाँ पे कुछ बंकर आपको पाकिस्तान के यहाँ पे मिलेंगे। हमने तो अभी दूरबीन से देखा तो हमें यहाँ पे कुछ लोग भी दिखाई दिए, और इधर अपना बराबर में ही टॉप पे, इस वाले टॉप पे के बराबर में इधर बंकर, अपने इंडियन बंकर है, इंडियन आर्मी है, फ्लैग है बिल्कुल बढ़िया चमचमाते हुए, और इधर भी है। तो जब 1971 के आसपास की लड़ाई हुई थी तब एक ये वाला गांव और एक ये वाला गांव दोनों पाकिस्तान में थे। फिलहाल ये खुश नसीब हैं और हम खुश नसीब हैं कि ये गांव हमारे साथ हैं और अपने हिंदुस्तान में हैं। तो हमारे जवानों को एक सल्यूट बनता है, जय हिंद। और ये मात्र आपका सिटी से ना केवल 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 8 किलोमीटर है, और रोड एकदम मस्त चकाचक बने हुए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सामने हेलीपैड भी है, ये देखो अपना हेलीपैड भी बना हुआ है, इंडियन हेलीपैड। सो दोस्तों यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी आइए देखिए एक बार, पहचानिए। क्योंकि जब वॉर हुआ था ना 1997, 1998, 2003 यहाँ पर फायरिंग हुई है, उसके बाद यहाँ पीस मतलब शांति स्थापित हुई है। और हमने तो खूब देखा, बंकर वगैरह भी देखे, सब कुछ देखा, अपनी इंडियन आर्मी भी देखी, अपने इंडियन आर्मी के जवान भी देखे, उधर पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान हमने देखे। बाकी तो उधर तो सुनसान पड़ा हुआ है, लेकिन अपनी आर्मी चकाचक है। अब देखो आप, वो भैया सही कह रहे थे कि वो उधर से सेलिंग करते थे तो इस रोड पे आती थी, ताकि अपने आर्मी की जो गाड़ियां हैं या जो सहायता हमारे जवानों को जाने वाली थी उसको बाधित किया जाए, और मतलब परेशान किया जाए, बाधित किया जाए, और आर्मी को परेशान करके मतलब कब्जा अपना हासिल किया जाए। पर लेकिन आर्मी अपनी भाई साहब वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है। सो दोस्तों कुछ तो दिखने लगे हैं हरे हरे पहाड़, ये देखो सामने, वाह बर्फ भी है, पानी भी है, नदी बह रही है भाई साहब, हरे हरे पहाड़ शुरू हो गए हैं, हरियाली। और रोड के तो भाई साहब कहने क्या है, गजब, एक नंबर गजब। तो फिलहाल जा रहे हैं द्रास की तरफ, कारगिल वॉर मेमोरियल आप लोगों को दिखाते हुए आगे जाएंगे द्रास की तरफ। देखते हैं आज जो जिला पास क्रॉस कर पाते हैं या नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज जो जिला पास क्रॉस हो पाएगा। सब झंडे स्टार्ट हो गए हैं। तो जी पहुंच चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल, इस सामने अपने भारत का, हिंदुस्तान का झंडा, दिल खुश हो जाता है देख के। ये वो शहीद हैं, उनके स्टैचूज हैं, कैप्टन निकी झाओ, थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो मैं उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहूँगा। वाओ इतना पास से आज मैंने पहली बार देखा है, देखो
विंग्स देखो, इसके विंग्स पीछे मिसाइल्स भी है। टायर देखो, छूंगा नहीं क्योंकि हमारे फौजी भाइयों ने बोल दिया है कि आप ऐसे जहाँ जहाँ तक शूट कर सकते हो सब बता दिया उन्होंने, कहाँ शूट हो सकता है कहाँ नहीं। तो फिलहाल आप भी देखिए कितना बड़ा है ये है MiG-21। ये छोटी मिनी तोप है, इसको इजी होता है पहाड़ों पे ले जाना, असेंबल करना। और एक तोप और है सामने, मैं दिखाता हूँ आपको, इसको तो हर कोई जानता है, ये है कारगिल की जान बोफोर्स तोप। यही वो तोप है जिसने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए थे भाई साहब। तो दोस्तों मौसम तो हो गया बड़ा बेईमान, हवाएं चल गई ठंडी ठंडी, बहुत ज़बरदस्त तूफान आ गया और लाइट भी चली गई है। कुछ जगह पर कैमरा देना अलाउड नहीं है, तो उस चीज़ की हम रेस्पेक्ट करते हैं, अच्छी बात है। तो फिलहाल चलते हैं श्रीमती जी के पास पार्किंग में, जहाँ पप्पी और श्रीमती जी बैठी हुई हैं। तो भाई साहब कंधे से वो मेरे खड़े से हो गए ठंड की वजह से, हवा आ रही है ज़बरदस्त। नई जैकेट पहन रहा आज मैंने, तो अभी देखा है, देख रहे हो कतई लाला, एक तो नया हो रही है, कल की पहनी हुई है आज बता रहे नहीं, ये तो घनी पुरानी बोली। मौसम बहुत ख़राब हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंच चुके जी, दराज पहुंच गए हैं। मौसम ख़राब है, एक तो बारिश और अगर बर्फ़ पड़ गई तो 2-3 दिन फंस जाएंगे यार यहीं पे, क्योंकि लग नहीं रहा। तो सोच रहे हैं जो जिला पास आज ही कर ले। बारिश तो कंटिन्यू हो रही है, फिलहाल बारिश हो रही है ज़बरदस्त। और हम हैं कहाँ पे, हमें पास चढ़ना था, पास से पहले ही रुक गए हम, एक गांव पर पड़ता है, उस गांव के अंदर ग्राउंड है बड़ा, उसके अंदर रुके हुए अभी तो। हैटम्स गांव है ये, हैटम्स गांव है। तो ये देखो कर दिया देसी जुगाड़ भाई साहब, बारिश हो रही है तो क्या करें, खाना तो बना नहीं है। और यही है असली कैंपिंग, क्यों जी उस्ताद जी, कार कैंपिंग है ना। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इस सेटअप से है ना लाखों लोग इंस्पायर होंगे, और गारंटी देता हूँ डीकैथलोन की को बेच के इसको दोबारा लेंगे लोग, ये तय है जी, क्योंकि ये जो जुगाड़ है ना ये बारिश में 100% सक्सेसफुल है, वो नहीं है। गाड़ी कर दी है पूरी सेट, क्या बताएगा। और ये देखो उधर सुनील भाई ने अपनी गाड़ी सेट कर दी है, और बारिश की आवाज़ सुनो आप, आवाज़ ही आवाज़ सुनेगी, देख रहे हो हवाएं और बारिश की आवाज़, क्या जबरदस्त बारिश हो रही है, पैर बिल्कुल ना पैर सुन हो चुके हैं हवा की वजह से। तो जल्दी से पटाख से बनाते हैं जी आज मैगी। बारिश और तूफान नहीं रुकेगा हमारी मैगी की कमान है, कुछ तो बनाएंगे। तो सब कुछ चोप करने के बाद लोग भाई बना रहे हैं मैगी, मैंने इनको बोला भाई आप अंदर बैठ के बनाओ, बाकी काम मैं खड़ा हूँ। श्रीमती जी को उधर बैठा दिया है, और जब तक मैं जिंदा हूँ ना इन दोनों को कोई आँच नहीं आने दूंगा, देख रहे हो देख रहे हो। ये मेरा परिवार है, ये मेरा बड़ा भैया है, और ये मेरी श्रीमती जी हैं, तो मैं इन दोनों को कोई आँच आने नहीं दूंगा। मैं खाऊँ बीच में, बन रही है मैगी साझा किचन में, तिरपाल के नीचे, खुले आसमान के नीचे। भालू भी आते हैं वैसे यहाँ पे, भालू तो आते हैं बस दो चार, चार ब्राउन बियर की जोड़ी है यहाँ पे। दोस्तों अंदर बन रहा है खाना, ये देखो बिल्कुल आगे थोड़ा आगे जाके 500 मीटर पे रोड है, और चारों तरफ देखो बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल गुप अंधेरा। अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो मैगी तैयार हो गई है अपनी, और बाकी कढ़ाई में भी बची हुई है, इसको भी लपेटेंगे। फिलहाल श्रीमती जी को दे दिए, लाइट जलाओ जी एक बार, चल गई लाइट। ये देखो बिटिया भी मैगी खा रही है, श्रीमती जी भी मैगी खा रही है। तो फिलहाल खाना खा लेते हैं अपना, बारिश बहुत ज़्यादा है और पैर बिल्कुल सुन हो चुके हैं, तो पहले खाते हैं खाना फिर करते हैं बात। सो दोस्तों खाना खाने के बाद फिर भूख लग गई, तो बना लिया है सूप, मतलब टेस्ट के लिए बनाया गया है। तो सूप हमारा हो गया तैयार, 2 कप बनाया, 1 कप भाई पियेंगे 1 कप हम पियेंगे। कुत्तों की आवाज़ें आ रही हैं कर करके, रात को भालुओं की भी आएगी भाई, और कोई नहीं वो देख लेंगे। आ गया सब कुछ सामान पैक करके अपने कैरावन में, ही हमारी लगी है मोबाइल में, श्रीमती जी बैठी है। ठंड कैसी है जी, बहुत ठंड हो रही है आज, रेन में कैंपिंग करके मजा आया। हाँ तो ठंड ऊपर से बारिश हो रही है, तो हमारी ये मेन जो रेन में आज फर्स्ट कैंपिंग हुई है, कैंपिंग है। तो हमने इससे बहुत कुछ सीखा है इस कैंपिंग से। तो फिलहाल अब हो गई है सोने की तैयारी, हम कैरावन में सोते हैं।
होम स्टे वगैरह जब भी लेते हैं जब वाकई में कोई दिक्कत परेशानी हमें आती है, अदरवाइज हम कभी होम स्टे लेते ही नहीं हैं। यही हमारा घर है, यही सब कुछ है हमारा। तो बने रहिए हमारे साथ, यहीं पे इस वीडियो को करते हैं आज समाप्त। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अंडोरे। सभी को गुड नाइट, प्यारे श्री राम राम, बाय बाय।